नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर एडिट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है कैसे लागू हुआ, उसके पीछे क्या क्या रीजन रहे, या किस तरीके से वो रहा। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो थी, राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करना ही जो राष्ट्र निर्माण है। प्रश्न है, भाग्य वधू के चिर परिचित भेंट से आप क्या समझते हो? 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा का एक मध्य रात्रि सेशन बुलाया था और उसमें भाषण दिया था। उनके इस प्रसिद्ध भाषण को ही भाग्य वधू के चिर प्रतीक्षित भेंट अथवा ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारतीय रजवाड़े जो थे, जो भारत में रजवाड़े थे जो उस समय शासन करते थे छोटे छोटे जगहों पे, भारतीय परिसंघ में शामिल करने पर सहमति पत्र था। एक तरीके से कह सकते थे, एक ऐसा दस्तावेज था जिसपे आपने अगर सिग्नेचर कर दिया तो आप भारतीय जो देश है उसके राज्य के रूप में स्वीकृत कर दिए जाएंगे। तो उसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया था उस समय। प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? तो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक निर्विवाद नेता थे, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर इन्होंने भाग लिया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, आपने सुना होगा, आपके टीचर ने बताया भी होगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? द्विराष्ट्र से आप साफ साफ समझ सकते हो या देख सकते हो, द्विराष्ट्र का मतलब वो यहाँ पर दो राष्ट्रों से है। दो राष्ट्र सिद्धांत क्या था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत दो अलग अलग देशों में बट जाएगा, जिसमें हिंदू के लिए अलग देश होगा, मुसलमान के लिए अलग देश होगा। क्योंकि आजाद हिंदुस्तान जब अंग्रेजों से पहले, पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलाकर एक ही देश होता था, हिंदुस्तान। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुस्लिम लीग नामक पार्टी बनाई और उन्होंने अपना नारा दिया है द्विराष्ट्र सिद्धांत का, तो मुसलमानों के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी। तो हम कह सकते हैं आज अगर भारत दो भागों में विभाजित है तो वो मोहम्मद अली जिन्ना की देन है, क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना साहब ने ही दिया था। भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे उस समय रजवाड़ों के विलय के संबंध में? अगर भारत सरकार की नजरिए क्या थे इसके बारे में देखना चाहें तो आप देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है कि रजवाड़ों के विलय में भारत सरकार का क्या नजरिया था। तो रजवाड़ों के विलय में भारत सरकार का रुख लचीला था, कुछ इलाकों में आजादी देने के लिए तैयार थे, जैसे जम्मू कश्मीर, धारा 356 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि अब भारत ने जो उस समय विशेष राज्य का दर्जा दिया था, तो आजादी के लगभग 70 साल बाद वो चीजें वहां से हटा ली गई हैं। अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, मोदी सरकार का भी ताजा फैसला है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गृह मंत्री उस समय कौन थे और उन्होंने क्या भूमिका निभाई? भाई, हम में से सबको पता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बिना भारत का एकीकरण करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जान पड़ता है। तो उस समय भारत के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 565 रजवाड़ों को उन्होंने भारत में एक कर दिया और अपनी जिम्मेदारी इतनी बखूबी निभाई कि शायद ही उनके जैसा कोई कर पाता। तो कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, ये सब भारत में विलय करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आई। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्यों कश्मीर, क्यों जूनागढ़, क्यों हैदराबाद, क्यों मणिपुर भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे। आप जानकर हैरान रह जाओगे, जूनागढ़ बीच भारत में है, हैदराबाद